वहीं जीने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक शुद्ध हवा और पानी है। ऐसे में जल संचय पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विशेष पहल की शुरुआत की है। इसी कड़ी में आज गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सूरत के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। लुम्बाराम जी चौधरी सांसद सिरोही जालौर, निरंजन भाई राजमेरा जी अध्यक्ष सूरत महानगर, देखशेष मावाड़ी जी मेयर सूरतगढ़ महानगर पालिका, श्रीमती बिनी महाजन जी सचिव जल शक्ति भारत सरकार, पूर्णेश भाई मोदी जी विधायक सूरत, विनोद भाई मोरडिया विधायक कतारगांव, कुमार भाई कानाणी विधायक, श्रीमती संगीता बहन पाटिल जी विधायक, अरविंद भाई राणा विधायक, कांति भाई वल्लभ विधायक, प्रवीण भाई दोदारी विधायक, मनु भाई पटेल जी विधायक, संदीप भाई देसाई विधायक और यहां पर बैठे सभी जो इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, राजस्थान के मेरे प्रवासी भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस पुण्य कार्य के लिए आप आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मैं सूरत में रहने वाले और इस कार्य से जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और मेरे राजस्थान के जो प्रवासी भाई हैं वो तो अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन गुजरात के भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमेशा राजस्थान की अगर बात होती है तो हम पानी की बात करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने देखा होगा 2003 में जबकि राजस्थान ने किसी से कहा नहीं, लेकिन पड़ोसी होने का जो नाता होता है वो अपने आप मन के भावों से निकल करके आता है। और 2003 में जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी यहां के मुख्यमंत्री थे तो हमारा सटा हुआ क्षेत्र जालौर और बाड़मेर जहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, हमें सबसे पहले 2003 में नर्मदा का पानी देकर राजस्थान वालों पर बहुत बड़ी मेहरबानी की थी, क्योंकि वो पड़ोसी के दर्द को जानते थे, अनुभव करते थे, तो उन्होंने राजस्थान के लिए पानी दिया। और यही मैं आप कहना चाहता हूं, हमारे माननीय सीआर पाटिल जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी पटेल जी ने ये जो योजना कर्म भूमि से जन्म भूमि, जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन, जो ये कार्यक्रम आज यहां हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि इसको सबसे बड़ा लाभ राजस्थान को मिलने वाला है। और राजस्थान के हमारे भाई बहन पूरी तरह से पानी की स्थिति को जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी पानी है, गुजरात के अंदर भी है, बिहार के अंदर तो सम्राट जी ने बताया कि कितना पानी आता है, अगर कहीं पानी से अछूता है तो वो राजस्थान है। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि पड़ोसी होने के नाते आपने जो सोचा है, राजस्थान के प्रति जो आपका लगाव है, मैं दिल की गहराइयों से गुजरात प्रदेश का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। यह अभियान हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आज कह रहा हूं कि 2003 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहां मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान को देखा और गुजरात से पानी देने का काम किया, राजस्थान जहां
जल हमेशा से एक अनमोल संसाधन रहा है, वहां जल संरक्षण की परंपरा रही है, क्योंकि हमको तो जल उतना ही मिलता है, बारिश भी कम होती है। लेकिन मैं कह रहा था कि माननीय पाटिल साहब, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है कि जल संरक्षण करने की, लेकिन आपने एक नया उत्साह उमंग राजस्थान के लोगों में पैदा किया है। हमारी पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, आपने एक अच्छी मिसाल भी बनाई है। मैं हमारे राजस्थान वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की आवश्यकता को गहराई से समझा और उन्होंने डिग्गी बनाने का, कुंड बनाने का, बावरी बनाने का ये काम हमारा राजस्थान में बहुत हुआ है। लेकिन आपने एक नए आयाम जो स्थापित किया है, निश्चित रूप से इससे अगर हमारा जमीन में पानी रहेगा तो उसको कभी भी निकाल सकते हैं। और हर प्रदेश की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो पानी की होती है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, हर क्षेत्र में अपार संभावना है, चाहे वो मिनरल के क्षेत्र में हो, हमारे यहां मिनरल बहुत बड़ी मात्रा में है, चाहे वो हमारे पर्यटक की दृष्टि से हो, चाहे वो कृषि की दृष्टि से हो, हमारा राजस्थान खुशहाल है। लेकिन सिर्फ कमी है तो वो पानी की है, और पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए टांके, तालाब, कड़ीन, नाड़ियां, पाट, जोहड़ के माध्यम से वर्षा जल को सहजने का काम हम करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिसके मन में होती है और जिसको दर्द दिखता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हमारी सरकार 10 महीने पहले जब आई थी तो उन्होंने राजस्थान का दर्द समझा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो राजस्थान की जो समस्या थी, मध्य प्रदेश की जो समस्या थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन समस्या को हल करने का काम किया। क्या वो राजस्थान की ईआरसीपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मिलकर ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारी हरियाणा के साथ यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से पानी आने वाला इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हमारे राजस्थान को आता हो, चाहे हमारा माही डैम के माध्यम से हमारी जाखम और हमारे सोम कमला के माध्यम से हमारे 3-4 जिलों में पानी हो, या देवास स्कीम से माध्यम से उदयपुर से हमारे राजस्थान को पानी मिलने वाला था। इन सारे स्कीमों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और इधर तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ईआरसीपी का समझौता कराया, उधर हरियाणा के यमुना का समझौता कराने का काम किया। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस वालों ने एक उसमें अपने घोषणा पत्र में लिखा, और घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा कि जो हरियाणा और राजस्थान का जो समझौता हुआ है, यमुना समझौता, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको रद्द करेंगे। ये उनकी सोच देखिए, एक सोच तो वो होती है पड़ोसी होने के नाते, 2003 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को पानी देने का काम किया, और एक पड़ोसी वो भी है, सरकार आई नहीं, उससे पहले ही कह रहे हैं कि जो समझौता राजस्थान और हरियाणा के बीच में हुआ है उस समझौता को हम रद्द करेंगे। हमने भी कहा कि आपके सपने हैं, आओगे जब भी तो रद्द करोगे, जब आओगे नहीं तो कैसे रद्द कर दोगे। मैं आपसे सही कहना चाहता हूं कि जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और नेतृत्व करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे होते हैं, क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ा है, 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन दिखने लगा है आज हम आप सब महसूस कर रहे हैं। 2014 के बाद क्या गरीब कल्याण की योजनाएं हों, क्या हमारे विकास की योजनाएं हों, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो,
या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिकों को देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो काम हाथ में लिया है और जो जिसकी शुरुआत गुजरात से हो और गुजरात में भी सूरत से हो, वो काम रुकने वाला नहीं है। ये देश का जन आंदोलन भी बनेगा, जन भागीदारी भी बनेगी और जल संचय भी होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं मित्रों, इतना आपकी ये जो अनूठी पहल है जिसमें राजस्थान के हर जिले के प्रत्येक गांव को 4 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों के योगदान देकर के जो जोड़ा जा रहा है, ये इतिहास बनेगा। और अभी मेरे को किताब दी थी, मैं अभी कह रहा था कि गुजरात के अंदर राजस्थानी प्रवासी बहुत हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जितनी मोटी किताब दी अभी इतनी मोटी और होने वाली है, क्योंकि आपका कार्यक्रम जिस दिन से यहां बना है, लगातार मैं भी देख रहा हूं, लगातार फोन आ रहे हैं कि आप सूरत भी आओगे, इस काम को हम भी करेंगे, तो एक पहल देने की बात होती है। आपने एक अच्छी पहल के लिए किया है, निश्चित रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा, जो हमारे जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में ये आगे बढ़ेगा और देश की एक ऐसी योजना बनेगी जो हमेशा देश इसको याद भी रखेगा और जो हमारे देश में पानी की कमी है उसकी पूर्ति भी ये करेगा। क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 का भी हम उल्लेख करना चाहूंगा। इस अभियान के तहत हमने राजस्थान में जल संरक्षण का कार्यक्रम किया, जल स्वावलंबन का काम किया, निश्चित रूप से ये योजना उसमें और हमारी सहभागिता बढ़ाने का काम करेगी। और मैंने जैसा कहा, प्रथम चरण में आपने जो 5000 से अधिक गांव में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे, जिन आज योजनाओं का आपने किया है उसमें 1,10,000 कार्य इसमें कराए जाएंगे। लगभग राजस्थान के आधे गांव के लगभग इसमें आते हैं। मैं ईश्वर की कृपा से भी हमें कई चीज आप देखते हैं ना, जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, काम करने का जज्बा होता है। मैं कहना चाहता हूं माननीय सीआर पाटिल साहब कि इस बार राजस्थान में जो वर्षा हुई है, जितने भी राजस्थान के बांध हैं, एक भी बांध खाली नहीं है, पूरे के पूरे बांध भरे हुए हैं। और उसका कारण है कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानी के विषय को लेकर के पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो ईश्वर भी मेहरबान है। हमने कहा था हमारी ईआरसीपी योजना रही, हमने समझौता जब हुए थे, मैंने कहा ये समझौते हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी एक ईआरसीपी और यमुना आ जाएगी। और वो ठीक हुआ कि राजस्थान में पूरे 4 महीने बारिश हुई है, और अभी भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, वो लेट हुए, कि आज भी उज्जैन में बारिश हो रही है। अरे ये तो होनी ही है, क्योंकि कृष्ण गमन पथ बन रहा है, वो राजस्थान से मध्य प्रदेश जाएगा और मध्य प्रदेश से गुजरात भी आएगा। भगवान कृष्ण मथुरा से राजस्थान के रास्ते से शिक्षा लेने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन गए थे, और जब वहां से उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण की तो फिर वो द्वारका आए। तो मथुरा से लेकर के राजस्थान, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात, ये भगवान कृष्ण की भूमि है, और भगवान कृष्ण की भूमि में ये काम होना उनकी प्रेरणा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पानी की महिमा को हम आप जानते हैं, हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा किया। सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कि सूरत पहुंचे थे, जहां पर जनता को संबोधित किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।